लास्ट क्लास हम लोग लास्ट क्लास सिंपल क्यूबिक के बारे में पढ़े थे, बॉडी सेंटर क्यूबिक के बारे में और एफसीसी के लेक्चर फोर में, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर फाइव स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग प्रॉब्लम कुछ देखेंगे और कुछ थ्योरी जिसमें डेंसिटी के रिलेटेड थ्योरी देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड फाइंड करना है। ओके, पार्टिकल ए कहां पे है, कॉर्नर पे, किसका, क्यूबिक का। पार्टिकल ए कॉर्नर पे है, पार्टिकल ए ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ क्यूबिक, ए कॉर्नर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकल बी, बी का एटम बी ऑक्यूपाई ईच फेस पे है, सारे फेस पे है, तो कितने फेस होते हैं, कितने हमारे सिक्स फेसेस होते हैं यार, सिक्स फेस हो गए। अब यार हमें इंपिरिकल फॉर्मूला बताना, तो ए क्या होगा, ए क्या आया, ए इक्वल वन बाई एट इंटू एट, क्यों वन बाई एट कॉर्नर से आता है कंट्रीब्यूशन और एट कॉर्नर के लिए कितना आया वन, और बी कहां पे है, फेस में, फेस के लिए हाफ कंट्रीब्यूशन एंड सिक्स क्या हुआ थ्री आ गया, तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वन इज टू बी का रेशियो क्या आया, वन इज टू थ्री आया, फॉर्मूला क्या बन गया ए बी थ्री, ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। ओके, प्रॉब्लम नंबर सेकंड, प्रॉब्लम नंबर सेकंड में क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना किसका, आयनिक कंपाउंड का बताना। एक्स तो पाए सिक्स कॉर्नर ऑफ यूनिट से, एक्स को पाए कर रहा है सिक्स कॉर्नर, तो कॉर्नर से वन बाय एट एंड सिक्स कितना आ गया थ्री बाय सिक्स बाय एट इक्वल टू थ्री बाय फोर आया। और वाई कहां पे, वाई हमारे कितने फेसेस में है, y फेस सेंटर में, कुछ नहीं मेंशन है इसको, लोअर फेसेस में, हाफ इंटू सिक्स कितना आ गया थ्री, तो यार y थोड़ा थ्री हो गया, तो x थ्री बाय फोर और y थ्री आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेना है तुम्हें, किसमें लेना है, सिंपलेस्ट रेशियो में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो फोर से। ओके, क्यों, क्योंकि सिंपल रेशियो में लाना है इसको एटम का, तो यार ध्यान दो, फोर से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया थ्री और वाई क्या आ गया ट्वेल्व, तो क्या आ जाएगा वन एक्स और वाई फोर, ये तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चल कॉपी का नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत सिमिलर है फर्स्ट प्रॉब्लम से, बस इसमें क्या, मिसिंग ऑफ वन पार्टिकल फ्रॉम कॉर्नर, यार ए पार्टिकल कहां पे था, कॉर्नर पे, कॉर्नर कितने थे एट, एट में एक माइनस हो गया कितने सेवन, तो वन बाय एट इंटू सेवन कितना आ गया सेवन बाय एट आ गया। और बी कहां पे तुम्हारा, फेस में, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वन बाय टू इंटू सिक्स कितना आ गया थ्री, फॉर्मूला क्या बन गया, ए बाय सेवन एट इंटू बी थ्री, कितना से मल्टीप्लाई करते हैं एट से, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ए सेवन और बी ट्वेंटी फोर बन गया। ओके, नेक्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, इफ एक्स को पाए सिक्स कॉर्नर और वाई को पाए 50% फेस सेंटर, 50% फेस सेंटर एंड जेड को पाए रिमेनिंग फेस सेंटर एंड कॉर्नर, मतलब रिमेनिंग फेस सेंटर कितने फेस बच गए थे, सिक्स फेस में 50% यहां को पाए कर गया, कौन को पाए कर गया वाई, तो रिमेनिंग मतलब 50% बचा हुआ है, उसमें कौन गया जेड पार्टिकल गया और जेड आइटम गया और कहां भी गया कॉर्नर, कितने कॉर्नर बचे हुए थे, सिक्स कॉर्नर को पाए किया था दो कॉर्नर, ध्यान दो एक्स वाई जेड, एक्स किस में गया सिक्स कॉर्नर में और ये थ्री फेस सेंटर में, थ्री फेस सेंटर में गया है और यहां पे जेड थ्री फेस सेंटर प्लस दो कॉर्नर। ओके, ये कुछ हो गया बनाने का फॉर्मेट में, अब भी से बना सकते हो फिर से, एक्स एक्स कहां पे तुम्हारा सिक्स कॉर्नर, तो वन बाय एट इंटू सिक्स कितना आ गया थ्री बाय एट आ गया और वाई वाई तुम्हारा हो जाएगा हाफ इंटू थ्री, क्या हो जाएगा आपका ये आ गया थ्री बाय टू। ओके, नेक्स्ट यहां पे तुम चिंता करो सिक्स बाय एट इंटू थ्री बाय एट आएगा, ठीक है ना, थ्री फोर और जेड जेड तुम्हारा कहां था थ्री फेस, मतलब थ्री फेस वन बाय टू इंटू थ्री आप प्लस वन बाय एट इंटू टू क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, ये हो गया थ्री बाय टू प्लस वन बाय फोर आपका ये आ गया फोर बाय सेवन बाय फोर आ गया। ओके, नेक्स्ट अब यार थोड़ा दिमाग लगाइए, आपका एक्स ये आ गया वाई आ गया जेड आ गया थोड़ा, ठीक है ना, नेक्स्ट अब यार इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है,
तो x कितना है, x 3/4 आ गया, y 3/2 और z 7/4, x 3/4, y 3/2 और z 7/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये 3 हो जाएगा, y 6 हो जाएगा और z 7 हो गया, ये आपका इंटीग्रल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉपी कीजिए, कॉपी कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड है, आपको डायग्राम देखकर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है ना। आईआईटी 2012 में सवाल पूछा है, डायग्राम देखकर आपको ये सवाल बनाना है। इक्वल टू एक्स हो गया है, एक्स है, आपका स्क्वायर जो दिया हो वाई ई एम हो गया, तो आपको फॉर्मूला बताना है, इंटीग्रल फॉर्मूला एक्स और एम का क्या बनेगा। तो एक्स कहां पे है, डायग्राम देखिए, एक्स एक कॉर्नर पे, एक बॉडी सेंटर पे, तो एक्स क्या हो गया 1/8 इंडो। सवाल समझ में आया ना, पहले सवाल समझ लेकर बोलो, हमें फॉर्मूला फाइंड आउट इंटीग्रल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स और एम, ओके। तो हमने डायग्राम को देख के बनाना है, ठीक है ना। तो एक्स कहां पे है, एक्स कॉर्नर में बॉडी सेंटर, तो कॉर्नर 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी सेंटर में कितना है 1 प्लस एम कहां पे है, एम, एम आपका हो गया आपका सारा फेस सेंटर, तो 1/2 इंटू 6 कितना आ गया 3 और ये आ गया 2 और ये 3 क्या बन गया एम 3 एक्स 2। कोई दिक्कत नहीं ना, कॉपी कीजिए, चलिए कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल पूछता है, बोर्ड में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो हम सब जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है बच्चे। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय बोलो, ओके। तो यार ध्यान दो, हम यूनिट सेल का निकाल रहे हैं, स्पेशली हम क्यूबिक के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना, क्यूबिक के लिए, 4 क्यूबिक, ओके। हम आंसर कर लो 4 क्यूबिक, हमारा सिलेबस भी 90% क्यूबिक ही पढ़ना है, तो एक क्यूब बना लिए, उसका साइड ये नहीं, मैंने साइड ये मान लिया, तो वॉल्यूम कितना आ जाए, एक क्यूब। अब क्यूब में मास क्या होगा, मास ऑफ पार्टिकल होगा, तो किसी क्यूब में अगर सिंपल क्यूबिक हुआ जिसमें पार्टिकल कितने होते हैं, एक, अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक हुआ 2, अगर फेस सेंटर क्यूबिक हुआ तो 4। तो सबसे में हमें क्या मिल गया, हमें यहां से वॉल्यूम मिल गया है, तो मास ऑफ पार्टिकल निकाल देंगे। ध्यान दो, मास, मास ऑफ 6.23 × 10²³ का मास कितना होता है, 1 m मास, मतलब मोलर मास के बराबर होता है ये तुम्हारा। तो यहां से क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 पार्टिकल, मास ऑफ 1 पार्टिकल, 1 पार्टिकल कितना हो जाएगा, 1 पार्टिकल को m बाय 6.23 × 10²³ हो गया। तो यार इसे हम लिख सकते हैं m बाय n, ये एवोगाड्रो नंबर आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा एक पार्टिकल का मास आ गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, वॉल्यूम फॉर सिंपल क्यूबिक। अगर मान लो फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए देखेंगे, फॉर सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक में मास पार्टिकल कितने होते हैं, 1। तो डेंसिटी क्या हो जाए, डेंसिटी इक्वल टू रो से डिनोट करते हैं, मास m बाय a, Na बाय वॉल्यूम ए क्यू, क्या बना फॉर्मूला, एम एन ए क्यू बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम यहां पर गो फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक लेते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो जेड क्या आएगा, 2, या 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर रो क्या हो जाएगा, 2 × m na / a³, क्या आ गया, m 2m / na a³ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। चल छाप,
चलो इसके जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। इसके जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा देख लो, हमने क्या देखा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, जस्ट देन मास बाय मास कितना निकाल लिया था हमने एम इंटू एन ए। अब जेड मल्टीप्लाई करते रहे क्यों नंबर ऑफ पार्टिकल, ध्यान दो फिर से बता रहा हूं, जेड क्या हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ये क्या हो गया मास ऑफ एक पार्टिकल मास ऑफ वन पार्टिकल बाय वॉल्यूम क्यूब के लिए, एक क्यूब इक्वल टू रो आ गया, रो इक्वल टू क्या आ गया जेड एम बाय ए क्यू एन ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। वेयर वेयर रो क्या है रो डेंसिटी हो गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एम, एम क्या हो गया मोलर मास, ए एज लेंथ हो गया और एन ए, एन ए क्या हो गया 6.23 × 10³। अब वो गार्ड रोज नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चल छाप नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसको समझो ठीक है ना, बोर्ड के लिए बेस्ट है। एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास 50 ग्राम पर मोल हैविंग एफसीसी स्ट्रक्चर हैज यूनिट यूनिट सेल एज लेंथ 40 पिकोमीटर, आपको मास दे दिया है यूनिट ले उसका लेंथ दे दिया है, आपको डेंसिटी निकालना है एफसीसी अरेंजमेंट दे दिया है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपका जेड इंटू एम ए क्यू इंटू एन ए, तो जेड कितना दिया हुआ है एफसीसी के लिए 4 होता है, एम कितना दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, ए तुम्हारा कितना है ए 400 पिकोमीटर है, पिकोमीटर मतलब इसको बोला जाए तो 400 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर, ओके बॉस इसको क्या हो जाएगा फिर यहां से 4 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, ये तुम्हारा एक लेंथ आ गया। एन ए, एन ए क्या होता है अवोगाड्रो नंबर क्या ले लेंगे 6.23 × 10³, सब वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, तो जेड 4 हो गया इंटू एम 50 ग्राम हो गया, ये 6.23 × 10³ × 4 × 10⁸ का क्यूब आ गया। सॉल्व करते हम, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा ये ऊपर तो 200 हमें दिख रहा है 4 × 50 ओके, और यहां से हमें 6.23 और इस पे मल्टीप्लाई कर दो यार कितना आ जाएगा ये 4 × 4 16 × 4 64 और ये 23 − 20 10⁻¹ एक बच जाएगा ओके, तो यार सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा यहां से तुम्हारा एक 10 ऊपर चला जाएगा तो ठीक है ना 200 × 6 2 × 3 × 6.4, तो तुम्हारा यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो 6 × 6 36 / 200/36 ऑलमोस्ट 5.2 g/cm³ क्यूब आ गया ओके, कोई दिक्कत फिर से समझाता हूं एक बार ध्यान दो, मैंने फॉर्मूला लिखा पहले जेड दिया हुआ था, जेड कैसे आया एफसीसी बोल दिया था उसके लिए 4 हो गया, एम मोलर मास मेंशन किया हुआ है, ए एज लेंथ कितना है 400 पिकोमीटर ओके, फिर वैल्यू पुट कर देना सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट सवाल है नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम ऑफ बीसीसी क्रिस्टल विद द डेंसिटी 10 ग्राम पर सीसी एज लेंथ 100, हमें रो कितना दिया हुआ 10 ग्राम पर सीसी मतलब 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है ठीक है ना, मास कितना दिया हुआ हमें 100 ग्राम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर कौन सा है बीसीसी है तो जेड कितना हो गया 2 और एज लेंथ कितना है 100 पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब 100 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर आ गया। अब यार यहां से पहले तुम क्या निकालो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू जेड एम बाय ए क्यू एम आ जाएगा,
तो यहां से तुम एम निकाल लो, एम इक्वल टू क्या आ गया, रो ए क्यू एम ए बाई जेड, रो का वैल्यू 10, ए 10 टू पावर माइनस 8 का क्यूब इंटू रिकॉर्ड नंबर 0.23 10 टू पावर 23 बाई 2, सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, ये 24 हो गया और 824 खत्म, 3.0115 ग्राम आ गया। ये तुम्हारा आ गया मोलर मास, मतलब एक मोलर मास में कितने पार्टिकल हुआ पता चल गया, हमें 100 ग्राम में निकालना है तो हमें पता चल गया 6.115 ग्राम में तुम्हारा 6.23 10 टू पावर 23 पार्टिकल है, तो एक ग्राम में कितना हो जाएगा, एक ग्राम में हो जाएगा 6.23 10 टू पावर 23 इंटू 3.115 ग्राम आ गया। ओके नेक्स्ट, अब 100 ग्राम में कितना आ जाएगा, 100 ग्राम में इंटू 100 करना है इसमें, तो 6.23 10 टू पावर 23 3.0115 इंटू 100 सॉल्व करने पर 2 इंटू 10 टू पावर 25 एटम आ गया। चल छात्र ओके okay.